नमस्कार दोस्तों दोस्तों और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों ये एक माइक्रोस्कोप है। दोस्तों ये नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप आता है मैकेनिक का। दोस्तों इसमें अभी क्या किया हूँ, कुछ मॉडिफिकेशन किया हूँ। यहाँ पे एक एलईडी लगाया हूँ और ये मेरा कैमरा है जो इसमें। दोस्तों अगर ये सिंगल कॉप है, अगर ग्लास में कहीं बर्न होता है तो इस कंडीशन में यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों ये मैं लाइट हटा देता हूँ, ये जो लाइट है मैं इसको हटा देता हूँ तो पिक्सल नहीं दिखेगा यहाँ से। लेकिन जब मैं माइक्रोस्कोप को लगा देता हूँ, मतलब लाइट को लगा देता हूँ, तो बराबर पिक्सल दिखेगा, यहाँ से देख सकते हो उसको। यहाँ पे अगर शॉर्टिंग वगैरह हो जाता है तो देख सकते हो इसका पिक्सल है। और एक गेट ड्राइव का जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगा है उसको भी देख सकते हो। ये जो कनेक्शन वगैरह गया है, ये पूरा सिग्नल है, यहाँ से सीकीवी वगैरह एसटीवी सब सिग्नल यहाँ से जाता है। जाने के बाद ये यहाँ पे शॉर्टिंग हो जाता है। तो देखने के लिए बढ़िया जुगाड़ है माइक्रोस्कोप में ऐसे लाइट लगा के। ये लाइट कौन सा लगाया हूँ, ये रेड ग्रीन ब्लू वाला लाइट है। इसको अगर मैं कुछ तीनों को एक साथ जलाया हूँ तभी जाके कलर मैच होगा, तभी यहाँ पे दिखेगा। अगर खाली ब्लू जलाओगे, वाइट जलाओगे तो नहीं दिखेगा। एकदम बढ़िया पिक्सल दिखता है इससे और शॉर्टिंग वगैरह भी चेक हो जाता है इससे। इसके साथ और जूम के लिए मैं एक लेंस लगाऊंगा इसमें। यहाँ पे ऐसे जो नॉर्मल लेंस है वही है, लेकिन इसमें 10x का मैं लगाऊंगा। तभी क्या है और जहाँ पे ट्रैक वगैरह है एकदम क्लियर दिखेगा। तो लेंस फिलहाल मैं ऑर्डर किया हूँ, ऑर्डर करने के बाद आप लोगों को वीडियो बना के मैं चैनल पर डालूँगा, देख पाओगे। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि अगर शॉर्टिंग हो जाता है गेट ड्राइव में क्लियर व्यू आता है लाइट लगाने के बाद। अगर ये वाला लाइट लगाओगे तो इससे बराबर पिक्सल वगैरह नहीं दिखेगा, ट्रैक भी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आई का जहाँ पे ये रहता है, ये ऐसे आता है ढक्कन लगा के नया, इसके ऊपर एक लेंस लगा रहता है। लेकिन मैं लेंस को हटा दिया हूँ और इसमें एक लाइट फिट किया हूँ ताकि पिक्सल वगैरह पूरा क्लियर दिखे, देख सकते हो एकदम बढ़िया दिखता है ये पिक्सल है। यहाँ पे ड्राइव सेक्शन है, यहाँ पे शॉर्टिंग होने के बाद जो सिंगल कोप वाला पैनल है इसी का दिक्कत होता है। तो शॉर्ट को अगर फाइंड करके ग्राइंड करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं लेंस लगाने के बाद और जूम होगा, उससे हम लोग एकदम क्लियर एक एक पिक्सल का ट्रैक को ऐसे ही पता चल रहा है पिक्सल का ट्रैक। लेकिन और जूम होगा, ट्राई करूँगा कि एक छोटा सा लेज़र लगा के अगर कटिंग हो पाए तो कोशिश करूँगा, क्योंकि लेज़र बहुत महंगा आता है। मैं ऐसे नॉर्मल जो बर्निंग वाला लेज़र है
मेटल में, तो लेज़र को लगा के माइक्रोस्कोप से मैं कोशिश करूँगा पिक्सल वगैरह को काटने के लिए। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही अगर शॉटिंग पता चल जाए और ब्लाइंड करने में आसानी हो जाए, इसलिए लाइट लगाया था देखने के लिए पिक्सल कैसा दिखता है, क्लियर वगैरह है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो लेंस को मैं ऑर्डर किया हूँ, आने देते हैं, उसके बाद और एक वीडियो डाल दूँगा। अगर ये प्रॉपर क्लियर हो जाता है लेंस से तो मैं लेज़र का भी ऑर्डर करूँगा। 30-35 हज़ार का लेज़र आता है जो मेटल में बंद करता है, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए इससे, देखता हूँ कोशिश करके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते रहे एक न्यू डे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।